नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। अभी ITC के शेयर में अगर आप देखते हैं तो एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि ITC के स्टॉक में जो है और भी ज़्यादा गिरावट बन सकता है शेयर के प्राइस में ITC का। तो अभी यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग ITC के एक टारगेट प्राइस भी देखने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों देखिए, ITC का शेयर, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये स्टॉक का जो प्राइस है 200 के नीचे पहुंच गया था ITC का, उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी बनता हुआ दिखा और 350-400 के आसपास शेयर पहुंचा। उसके बाद अभी फिर से गिरावट बन रहा है। अभी कंपनी का बात करते हैं, ITC का फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है ITC। इसके हर एक प्रोडक्ट अगर देखते तो जो इसका रिज़ल्ट वगैरह आते हैं तो बहुत ही दमदार रिज़ल्ट आता है ITC का। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा दिया है। अगर आप मतलब कोई भी इन्वेस्टर इसको 200-225 के आसपास खरीदा है ITC का, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी स्टॉक में देखने को मिला है। फिलहाल स्टॉक में अभी एक गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं, एक दिन के अंदर ITC के शेयर में 1.5% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। 1 वीक के अंदर 3.2% का गिरावट दिया है ITC के शेयर ने। 1 मंथ के अंदर 2% का गिरावट बनता हुआ दिखा है ITC के स्टॉक में। दोस्तों आप इस स्टॉक में देख सकते हैं जहाँ पे इसको जो है एक एक्सपेंसिव स्टार कहा जा रहा है ITC के शेयर को। ड्यूरेबिलिटी 70 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 22.8 है आउट ऑफ 100 एंड मोमेंटम जो है 62.3 है आउट ऑफ 100। स्टॉक यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस बैक आपको दिखाए। इसका फंडामेंटल बात करते हैं दोस्तों, ITC का शेयर अगर आपने अभी तक नहीं लिया है ITC का शेयर स्टैंड अलोन, इसका रिजल्ट देखते हैं जो अभी दिसंबर 2022 क्वार्टर में आया था। तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू जो है ITC का, उसमें 2.9% का गिरावट बनता हुआ दिखा था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थोड़ा कम हुआ था 14.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 22% जो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था ITC में। और वही दोस्तों बात करते हैं जो इसका EBITDA है, जहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने को मिला था एंड नेट प्रॉफिट 21% हुआ था स्टैंड अलोन। अभी ITC के जैसे कि इसका अगर देखते तो एक बिजनेस जो है इसका हर एक प्रोडक्ट में एक डोमिनेट बिजनेस कह सकते हैं, मतलब उस इंडस्ट्री में अगर देखते हैं जो भी इसका प्रोडक्ट है, जैसे कि पेपर बोर्ड से हो लेके बहुत सारे बिजनेस में FMCG में है और नए नए बिजनेस में जो है ITC इन्वेस्ट भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे ITC ने इन्वेस्ट भी किया है। तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक जो है आप देख सकते हैं एक बुलिश लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ITC के शेयर में। RSI इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि ITC का जो ये शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है। अभी MACD इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो शेयर है मतलब एक मीडियम लेवल पे है स्टॉक अभी फिलहाल ITC का। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हफ्ते के अंदर अगर देखते हैं ITC के शेयर के प्राइस में जो इसने एक लो प्राइस बनाया था वो था 396.70 पैसे का एंड हाई प्राइस बनाया है 390.90 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टॉक देखते हैं एक हफ्ते के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है और अगर आपने इसको सही मतलब समय पे या फिर बोल सकते कि सही दाम पे शेयर को खरीदा है तो एक महीने के अंदर स्टॉक के प्राइस में 369 इसने एक लो प्राइस बनाया है दोस्तों। और वही बात करते हैं जो इसने एक हफ्ते के अंदर माफ कीजिए एक महीने के अंदर जो एक हाई प्राइस दिया है वो है 394 रुपीज़ का। तो दोस्तों एक महीने के अंदर भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं लगभग 24-25 रुपये के आसपास जो इसने एक महीने के अंदर रिटर्न दिया है 24-25 रुपये, बहुत बड़ा यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिटर्न दिया ITC के शेयर ने सही दाम में जिसने शेयर दिया है। 3 महीने के अंदर बात करते हैं दोस्तों तो 325.40 पैसे का एक लो प्राइस बनाया और हाई प्राइस बनाया 394 रुपीज़ का। तो बहुत बढ़िया रिटर्न अभी फिलहाल ITC के शेयर में देखने को मिला है हम लोगों को। अभी स्टॉक में जो है गिरावट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो BSE एंड NSE मिला के जो इसका एवरेज वॉल्यूम था
एक दिन का वो था 49.8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 71.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 35.4 मिलियन का, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एक दिन में। तो हो सकता है कि स्टॉक में यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाए। एक हफ्ते के अंदर बात करते BSE एंड NSE मिला के जो एवरेज वॉल्यूम है वो है 19 मिलियन का एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है 70.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 13.4 मिलियन का है। वन मंथ के अंदर दोस्तों BSE एंड NSE मिला के 12.3% का जो है 12.3 मिलियन का जो यहाँ पे एक एवरेज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 61.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 7.5 मिलियन का है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है शेयर का ज़बरदस्त यहाँ पे अभी तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो इसका शेयर होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास स्टेक, माफ़ कीजिए FIS के पास स्टेक था 42.68% का। और वही बात करते हैं 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में FIS ने दोस्तों यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ा है, जो कि 42.99% कर दिया है स्टेक। 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में अदर इंस्टीट्यूशन के पास स्टेक था 32.83% का एंड 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में अदर इंस्टीट्यूशन ने स्टेक थोड़ा कम कर दिया है, जो कि 32.57% कर दिया है। अभी दोस्तों बात करते हैं पब्लिक के पास 14.87% का स्टेक था, पब्लिक ने भी स्टेक कम किया है, 14.78% का स्टेक कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 9.59% का स्टेक था और म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, 9.66% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों FIS ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ाया है ITC के शेयर में। कहते जो पब्लिक है, पब्लिक ने स्टेक कम किया है, अदर इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक कम करता हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है। तो FIS म्यूचुअल फंड इन दोनों ने जो है यहाँ पे ITC के शेयर में स्टेक बढ़ाया है। अभी बात करते हैं दोस्तों एक जो टारगेट प्राइस है, देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि ये टारगेट प्राइस फिनोइश की ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं है, एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है जो कि यहाँ पे दिया गया है 417.29 पैसे का। तो 417 रुपीस का एक टारगेट प्राइस या फिर इसके ऊपर का थोड़ा टारगेट प्राइस एक हम लोग को देखने को मिल रहा है ITC के स्टॉक में। ज़्यादातर एनालिस्ट जो है शेयर मार्केट के, उन लोग को लगता है कि स्टॉक में जो है अभी खरीदारी करके चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत उठ के जो है ITC का शेयर तुरंत उठ के खरीदना चाहिए, या फिर एक बार बहुत बढ़िया सा रिसर्च करके ही आपको शेयर में खरीदारी करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकरेज फार्म है, उन लोगों की ओर से ITC के शेयर में एक भी एक टारगेट प्राइस दिया गया है जो कि 450 रुपीज़ का है। दोस्तों 450 रुपीज़ का जो ये टारगेट प्राइस है, बहुत समय लग सकता है हीट होने के लिए ITC के शेयर में। अभी यहाँ पे जो एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ITC ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए जहाँ पे इन लोगों को अप्रूवल मिला है, एक नया डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट किया है जो कि है पीटर चित्तरंजन। तो पीटर चित्तरंजन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एस सेट आउट इन द पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट के जरिए अप्रूवल मिलने के बाद ITC ने इनको जो है एज ए डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है अगर देखते हैं तो इस स्टॉक में जो है अभी आपको चीज़ ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो टारगेट प्राइस वगैरह दिया जाता है कोई भी शेयर को लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत जाके वो शेयर जो है तुरंत जाके वो शेयर खरीदना है उसी टारगेट प्राइस के लिए। इसमें अगर देखते हैं दोस्तों ITC के शेयर में गिरावट भी बहुत बनता है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जो है हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक या फिर जो है एक रिटर्न ज़रूर देखने को मिले। तो बहुत ही छोटा सा टारगेट प्राइस रख के चलना चाहिए। और यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको जो ये शेयर खरीदना चाहिए ITC के या फिर बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले कोई भी। तो उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।